ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अपने आवास पर पत्रकारों को बताया कि अयोध्या फैसला जो आया है वह मस्जिद को तोड़कर मूर्ति रखी गई थी और मस्जिद के अंदर मूर्ति रखना एक जुर्म है, मस्जिद को शहीद करने वाले मुजरिम है और जो ये फैसला आया है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम दोबारा रिव्यू पिटीशन डालेंगे। हमारी रिव्यू पिटीशन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और सुन्नी वक्फ बोर्ड को दोबारा रिव्यू पिटीशन में जाने का कोई हक नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहले ही विड्रॉल कर लिया था। विड्रा कर लिया था और अपने मुकदमे को आयन वक्त के ऊपर जब फैसला आने वाला था वो पीछे हट गए थे। अब अगर वो रिव्यू नहीं आना चाहते तो वो जा ही नहीं सकते हैं, जब पहले ही मुकदमे जा गए थे तो अब दोबारा रिव्यू के अंदर जाने का उनको क्या हक बाकी रहना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने खुद ये बात कही है, मशवरा दिया है कि अगर कुछ इसके ऊपर इश्काल है तो जाया जा सकता है। हमें उसके ऊपर इश्काल है, जब मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ कर नहीं बनाई गई है और इस मस्जिद में मूर्ति रखना एक जुर्म था, मुजरिम है वो लोग, उसको शहीद करना मुजरिम है, तो ये तीनों चीज़ें तो ये बता रही हैं कि वो मुसलमानों का हक है। या तो आप ये कह देते कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया जाए तो हमारे लिए रिपोर्टेशन कहने जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि ये फैसला हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस पर दोबारा गौर कर लिया जाए, कत नज़र इसके कि वो इसको कबूल करते हैं नहीं कबूल करते हैं, ये उनका काम है। चूँकि ये कोई हमारी नाक का मसला नहीं है बल्कि ये मसला तो खालिस एक मजहबी मसला है कि मस्जिद जो वक्फ़ अल्लाह थी, क्या हमें उस मस्जिद के लिए कानूनी और शरई तरीक़े पर यह हक है कि हम आखिरी मंजिल तक जाएं उसकी हिफाजत के लिए या नहीं हक है। हम ये समझते हैं कि ये हमारा हक है, ख़ास तरीक़े पर इस फैसले के बाद कि वो मस्जिद अपनी जगह के ऊपर बनाई गई है और वो किसी मस्जिद मंदिर को तोड़ कर नहीं बनाई गई है। हमारा ये मजहबी फर्ज है कि हम जाएं, बाकी फैसला जो कुछ भी हो बाहर में उसको इनकार नहीं कर रहे हैं, हम तो उसका इंतजाम नहीं कर रहे हैं। तो आपकी तैयारी क्या हो चुकी है, पूरी कितनी तैयारियाँ हो चुकी? हमारी तैयारी जो हमारे वकील थे ऑन रिकॉर्ड एजाज महमूद साहब, वो और हमारे सीनियर वकील हैं राजू धवन, ये दोनों मिलकर के उसकी तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी तकरीबन हो चुकी है, आने वाले दो चार दिन के अंदर हम उसको फाइल कर देंगे। ठीक है।